नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अकेले में देखें। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप अपने जीवन काल से जुड़ी उन सच्चाई के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपकी जीवन की सभी प्रकार के चिट्ठे पुर्जे खुलने वाले हैं। आपके जीवन काल में जो घटनाएं अभी घट रही है, जो मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, उनका कारण क्या है, आपके जीवन काल में गरीबी क्यों आ रही है, आखिर आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, इन सभी की जो है जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। इन सभी की वजह जो है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आपसे बस निवेदन यही है कि वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि पिछले समय अंतराल में और अभी जो आपके साथ घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है और किसकी वजह से हो रही है, साथ ही आने वाले समय में अब आपके साथ कौन सी घटनाएं होने वाली है, इस वीडियो में वे भी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अपने जीवन काल में पिछले समय अंतराल में हर मौसम को देखा है, आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी समय की बात कर रहे हैं। दोस्तों मौसम का मतलब समय है। दोस्तों आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है। अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी ज़रूर देखा है। दोस्तों आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है, वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में दर्द में चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएं होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़े ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी और आप जहाँ हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं,
दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं। और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं भी घटी है। यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियां भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। दोस्तों यश में तरक्की के नए रास्ते खोलने में भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, परिस्थितियां अनुकूल है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। दोस्तों अचानक ही किसी फिर मित्र से मुलाकात आपको खुशी देगी, और दोस्तों किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत भी यशमय हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कभी कभी शक और क्रोध की वजह से बेवजह किसी के साथ मतभेद होने की आशंका भी लग रही है। दोस्तों यशमय अपनी जो है मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट में विफलता के कारण उनके आत्मबल में भी कमी आ सकती है, इसे दोस्तों विद्यार्थीगण प्राय में अपना ध्यान को केंद्रित करें, अतः यश में धैर्य बनाकर रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सिम होंगे। दोस्तों आपके अंदर बढ़ता अकेलापन, अभी इनसिक्योरिटी भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आप गलतियां कर सकते हैं, जिसका असर आपको निजी भविष्य में नजर आएगा। दोस्तों बड़े निर्णय लेते समय जिस व्यक्ति पर आपको बहुत अधिक विश्वास है उस व्यक्ति के साथ चर्चा करके निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में अपने कार्यों से संबंधित जो है नीतियों को दोबारा से विचार करके उस पर और अधिक सुधार लाने की प्रयास करें। दोस्तों आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अगर कोई पैतृक संबंधी मामला चल रहा है तो दोस्तों यश में बहुत ही अच्छा और आसानी से उन्हें आप हल कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में माता पिता या फिर किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं। आप जो है यश में अधिकतर काम घर में रहकर ही पूरा करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखकर अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें,
ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपका सामाजिक कार्य में विशेष सहयोग भी रहेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय या फिर दिए गए दान पुण्य की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, किसी सामाजिक संस्था के साथ सराहनीय काम करने से आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। दोस्तों स्त्री वर्ग के लिए यश में दिन जो है खास तौर पर लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मार्केटिंग व फिर मीडिया से संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान दें। यश में अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उससे संबंधित योजनाएं बनाने की और क्रियान्वित करने का उचित समय होगा। दोस्तों यश समय ऑफिस में स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में कर्मचारियों और फिर सहयोगियों का पूरा साथ भी मिलेगा। इससे दोस्तों उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। मार्केटिंग तथा अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने पर ध्यान दें। युवाओं को नौकरी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की भी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। युवाओं की अपनी दोस्ती में ईगो की वजह से दूरियां आ सकती है। इसलिए दोस्तों यश में अपने व्यवहार को आप सीमित बनाकर रखें, ये आपकी दोस्ती के लिए और आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में पारिवारिक जीवन को खुशनुमा बनाकर रखें। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ मेल जो है आपकी बदनामी का कारण बन सकता है, तो दोस्तों इसलिए इस दिन इससे आप सावधान रहने की कोशिश करें। दिन भर की भागदौड़ के बाद पारिवारिक जनों के साथ समय व्यतीत करने में आप जो है तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस करेंगे तथा दोस्तों घर में भी खुशी भरा माहौल रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य ने सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में बदहजमी और गैस जैसी दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। गरिष्ठ व फिर मसालेदार भोजन का सेवन न करें, सुपाच्य खान पान ही रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।